So welcome to the channel, friends. Hope you guys are absolutely fine and enjoying. और आज फिलहाल मैं हूँ अपने सिटी के सेंटर ऑफ द सिटी में. बैक साइड मेरे गांधी स्टेडियम है. आपको काफ़ी बार, 3 से 4 बार तो गांधी स्टेडियम के टूर हो ही गए किसी किसी रीज़न के लिए. लेकिन आज मैं जहाँ आपको ले जाने जा रहा हूँ, सो वो जगह मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, अभी तक नहीं किया. लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कर लेते हैं. सो आज मैं जहां आपको ले जाने वाला हूं, जो वो ऐसी एक जगह है कि उस तरीके का स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जो कि एमपी में अपने तरह का पहला है. मींस वो जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उस तरह का स्ट्रक्चर, इतना बड़ा, इतना अच्छा, हैवी स्ट्रक्चर, यूजली उस पर्पस के लिए और कहीं भी नहीं है एमपी में. ये एमपी में पहला अपने तरह का स्ट्रक्चर है. और मैं अंदर भी आपको चल के दिखाऊंगा कि क्या क्या है. पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड में, ये है विवेकानंद पुस्तकालय, जो कि शहडोल में स्टेडियम के पास ही है. ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे जिनके कारण शांत होना पड़ता है. सो अभी फिलहाल मैं हूँ विवेकानंद पुस्तकालय में, और चलिए अंदर चल के देखते हैं. और उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको ये कितना बड़ा है, और अंदर भी दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा है. सो दोस्तों, ये है विवेकानंद पुस्तकालय. मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ, मीन्स स्ट्रक्चर इन द सेंस, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना भव्य बिल्डिंग पुस्तकालय के लिए, फॉर द लाइब्रेरी, और कहीं एमपी में नहीं है ऐसा मुझे जानने मिला है. जो कि इंचार्ज हैं इस लाइब्रेरी के, उनसे. एंड लेट्स गो, हम अंदर चलते हैं. नियर अबाउट 9 to 10 सीढ़ीज हैं, उसके बाद ये स्टेप आता है, और उसके बाद हम अंदर चलते हैं. सो वी एंटर्ड. सामने तो बहुत बड़ी सी टेबल दिख रही है विद द चेयर्स. सुविधा बहुत सही है. मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड से दिखाता हूँ. ये सब पेपर रखने के लिए स्टैंड्स है, यहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं. सामने जो सज्जन दिख रहे हैं वो इंचार्ज ऑफ दिस लाइब्रेरी हैं, मिस्टर निगम. अभी मेरी उनसे बात हुई, और अभी हम फिर और भी चल के बात करते हैं. ये सारा कुछ है यहाँ पे. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो भी है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने. मैं चाहता हूँ मेरे देश के नागरिकों में लोहे की मांसपेशियाँ, इस्पात सा स्नायु तंत्र, और इनमें वास करता वज्र सा दृढ़ मन हो. इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन. चलिए अंदर चलते हैं. सो ये हम इधर से एंट्री किए थे, ये इनका आउटर एरिया है, और यहाँ पे एक हॉल है, शायद आगे चल के कुछ और भी होगा. हम यहाँ पे चलते हैं. सो यहाँ से एक रास्ता है ऊपर जाने का, अभी तो ऊपर शायद नहीं जा पाएंगे. दिस इज़ द सेंट्रल हॉल फॉर द लाइब्रेरी. ओके, और अभी मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कि अच्छा तो नहीं है लेकिन बोलना ज़रूरी है. आपने शायद ही इतनी अच्छी चेयर्स, टेबल्स विद ऑल फैसिलिटीज, साफ सफाई, मुझे यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है मैं किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में खड़ा हूँ. आप ऊपर देख सकते हैं, लाइट्स वगैरह इनफ, पंखे वगैरह एवरीथिंग है, साफ सुथरे टेबल, चेयर्स ऐसी हैं कि चेयर्स की ऊपर की अभी पॉलिथीन भी नहीं निकली है. क्वालिटी ऑफ चेयर्स मैं दिखा सकता हूं आपको. सो क्वालिटी ऑफ चेयर्स भी आप देख लीजिए, एक नंबर है. और सामने इतनी अलमारियां हैं, ऊपर भी हैं, ये सारी अलमारियां हैं. लेकिन सबसे जो दुखी करने वाली बात है, जो सबसे जो सैड रिपोर्ट यहाँ पे मैं देखूंगा, कि यहाँ पे कोई भी है नहीं. अभी मेरे जैसे निगम जी से, जो इंचार्ज है लाइब्रेरी के, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, इतना लंबा सा टेबल है, एक लाइन में कम से कम, मतलब अगर मैं बात करूं इधर से लेके उधर तक, लगभग 30 के आसपास चेयर्स लगी हुई हैं. 30 × 2 लगभग 60-70 चेयर यहाँ पे लगी हुई हैं, और सभी कुछ हैं. ये सारी अलमारियों में सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है. एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आज है संडे, दैट्स वाई नो वन इज़ हियर.
लेकिन कुछ तो होना चाहिए। यूजली यही माहौल ऑल डेज रहता है, जब कॉलेज चालू होते हैं वर्किंग डेज में तो मुझे ऐसा सुनने में आया कुछ लोग होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। और मैं जैसे काफ़ी सारी सिटीज़ में जा के आ चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं देखा था पहले ये लाइब्रेरी हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पे हुआ करती थी, बड़ी छोटी सी हुआ करती थी, मीन्स एक या दो कमरे में ही होती थी और उसी में मैं जाता था अक्सर, तो वहाँ देखता था एक दो कमरे में होती थी। अब बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे और भी देखेंगे, ये यहाँ पे भी स्टोर है जहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम की होंगी। ये पूछना पड़ेगा ये काहे के लिए होते हैं। ये ज़रूर पूछता हूँ मैं। सो चलिए अभी चलते हैं निगम जी के पास, ये शायद एक ऑफिस होगा, शायद बुक उक ले जाते होंगे जो उनको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती होगी। सो आइए चलते हैं निगम जी के पास। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने पूरा लाइब्रेरी का टूर लिया। डेफिनेटली मैं श्योर शॉट बोल रहा हूँ, इस तरह की लाइब्रेरी कोई प्राइवेटाइज लाइब्रेरी होगी तो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट लाइब्रेरी ऐसी बहुत कम होंगी या फिर बहुत रेयर आपको मिलेगी। सो अगर आप शहडोल या आसपास से हैं और शहडोल रेगुलर आना होता है एंड यू आर कनेक्टेड विद सम एजुकेशन फील्ड, आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक मिलने वाला है। मेरे पीछे है मिस्टर निगम जो हैं इस लाइब्रेरी के इंचार्ज। सो सर, वेलकम टू आवर चैनल सर। और हम इनसे जानते हैं कि ये लाइब्रेरी कब से है, कैसे मैनेज होती है और यहाँ पे किस किस लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। लेट्स गो सर, प्लीज़ बताएं इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ और अपने बारे में भी, क्या कैसा कब से चल रहा है ये सारी चीज़ें। मेरा नाम है राजेश कुमार निगम, मैं इस लाइब्रेरी का इंचार्ज हूँ जी। और यह लाइब्रेरी जो है वर्ष 1956 से चल रही है। 1956 मतलब आज़ादी के लगभग 9 साल बाद ही खुल गई थी। और उस समय पर अपने शहडोल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी की प्रेरणा से ये लाइब्रेरी। अच्छा, उन्हीं के नाम से कॉलेज भी है क्या? ओके। ये रेलवे फाटक के पास संचालित थी पहले। ये लाइब्रेरी जो थी पंडित राम कुमार गुप्ता जी के नाम से, इसका नाम था राम कुमार सार्वजनिक पुस्तकालय के नाम से फेमस थी। बाद में इसको शासन ने टेकन ओवर करके और शासकीय उसमें लिया। और ये जो है इस नए भवन पे अपने जो भव्य भवन है जो ये लाइब्रेरी जो मैं दिखाया, इसको जन भागीदारी से नगर पालिका ने निर्माण किया था इसका। और ये माननीय सांसद महोदय उस समय पर अपने दर्पण सिंह जी थे, उनके सत प्रयासों के से और उनके सहयोग निधि से अच्छा ये भवन का निर्माण हुआ था। और इस लाइब्रेरी में लगभग 42,000 पुस्तकें हैं। 42,000 जिसमें नाटक हैं, कहानी हैं, उपन्यास हैं, धर्म ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, मैंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पुस्तकें उपलब्ध हैं हमारे पास। और इसमें जो है ये पुस्तकालय जो है दो पालियों में चलता है। अच्छा। प्रथम पाली प्रातः 8 से 11 बजे और द्वितीय पाली सायं 4 से 7 बजे। और सर कुछ ऑफ रहता है किसी दिन की? सातों दिन गुरुवार को ऑफ रहता है। अच्छा, गुरुवार सप्ताह जो है गुरुवार थर्सडे ऑफ रहता है। और इसमें वाचनालय बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई कास्ट नहीं है। और वाचनालय में भी लगभग प्रयास ये किया गया है कि 8-10 हिंदी पेपर हैं और 2-3 अंग्रेजी पेपर हैं जी। और प्रतियोगिताओं से संबंधित जितनी भी पत्रिकाएं हो सकती हैं प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चों को, पाठकों को इसका लाभ मिले। छोटे बच्चों के लिए भी हैं पुस्तकें, पत्रिकाएं हैं, महिलाओं से संबंधित भी हैं, सरिता वगैरह जो आती हैं आजकल, गृह शोभा, ये सब मतलब सभी तरह के संसाधन इसमें। और बच्चों के लिए बाल हंस हो गया, क्रिकेट सम्राट हो गया, ऐसा करके कई पुस्तकें उनके लिए। ओके सर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि
कंपैरेटिवली देखा जाए तो रिस्पांस कैसा है लाइब्रेरी के लिए आज के ज़माने में? मतलब आते हैं लोग पढ़ने की ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सपेंसेस है बस? नहीं, आते तो हैं लोग, पर जो मेरा अपना अनुभव है लाइब्रेरी में रहने का, उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों का रुझान किताबों की तरफ से हट रहा है अब, उतना नहीं है। नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल पे बच्चे ज्यादा बराबर व्यस्त है। क्योंकि मैं पर्सनली भी मैं बात करूं कि आज मुझे एक विशेष जरूरत थी तो मैं आया, क्योंकि नेट पे नहीं मिल रहा था, तो मैक्सिमम चीजें नेट पे अवेलेबल है। हाँ, तो इसलिए बच्चों का रुझान तो कम, डेफिनेटली कम है। पेपर वगैरह आगे चल के नुकसान दायी है। जी जी, मैंने हमको मैंने प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक हम लाइब्रेरी से जोड़े। और लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए शासन ने भी अभी पिछले वर्ष जो है ऑल ओवर इंडिया के सारे लाइब्रेरियनों की सूरत में एक ट्रेनिंग कर दी थी। अच्छा, उसने कई तरह के टिप्स बताए हैं कि लोगों को लाइब्रेरी से कैसे जोड़ा जाए। अब क्योंकि इसका भवन के निर्माण चल रहा था, आधे में रुक गया है जी, इसलिए हमारा जो प्रयास है, जो हमको योजनाएं बताई गई, वो मुफ्त रूप में भी नहीं लाई जा पा रही। अच्छा। पर आगे प्रशासन की मदद से उनको अपन मुफ्त रूप में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डेफिनेटली बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं पर्सनली इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखा, सो थैंक्स अ लॉट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लाइब्रेरी तो बहुत शानदार बनी हुई है, बट लोग नहीं आ रहे हैं, जैसे कि निगम जी ने बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एंड्रॉयड फ़ोन एंड आईटी के कारण। डेफिनेटली वो एक इग्नोरेबल चीज़ नहीं है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बच्चे तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, मुझे अभी बाहर निकलते समय ही दो तीन लोग ही दिखे हैं, तीन चार लोग आए हैं। सो आई होप वो भीड़ ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन फिर भी जो भी था ये एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आप शहडोल या आसपास हैं, आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ़ है। मैं इस वीडियो को बनाने के पहले एक घंटा पूरी रेकी किया, क्या बुक्स हैं क्या हैं, निगम जी से भी काफ़ी चर्चा की, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा ये वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, दिस इज संजीत सोनी, जय हिंद।